गोगावा मंदिर पुजारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। गोगावा मंगलवार को आसपास के 50 से अधिक मंदिर पुजारी संघ के पुजारियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन से पहले पुजारियों द्वारा जगदम्बा माता मंदिर में एकत्र होकर मंदिर से रैली के माध्यम से तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचन करते हुए पुजारियों ने बताया कि अपने अपने क्षेत्र ग्राम नगर के मंदिरों में विगत कई वर्षों से मंदिर की पूजा पाठ कथा आदि कर्मकांड करते चले आ रहे हैं। हमें वर्तमान में और पूर्व में शासन चाहे केंद्र या राज्य की योजना हो, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। हम हमारा एवं हमारे परिवार का पालन पोषण कथा पूजा एवं मंदिर में आए दान से करते हैं। इसके अलावा हमारी आय का कोई स्रोत नहीं है। ऐसे में बढ़ती महंगाई में हमारे लिए परिवार चलाने में समस्या आ रही है। यह कि पुजारियों को शासन ने किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा है तथा लाभ की कोई श्रेणी में नहीं तय की है, जबकि शासन द्वारा विभिन्न विभिन्न छोटे व्यापारियों जैसे सब्जी ठेला हाथकरघा सिलाई ड्राइवर आदि सभी को शासन की योजनाओं से लाभ मिला है और मिल रहा है। विगत समय पूर्व कोरोना काल में भी लाभ मिला है। हमारी मांग है कि बीपीएल कार्ड ई श्रम कार्ड बच्चों की पढ़ाई में छूट तथा हम चाहते हैं कि पुजारियों के परिवारजनों के लिए एक कोटा तय किया जावे। इस दौरान गोगावा गणेश मंदिर के पुजारी गोल्डी उपाध्याय मनोज उपाध्याय दिलीप जोशी अमित विजय सहित जिले के दर्जनों पुजारी उपस्थित थे। डिजियाना न्यूज निवाड़ रिपोर्ट गोगावा। बाढ़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निवाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।